वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल में पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए उनके फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस, साथ ही साथ पेंशनर्स के और फैमिली पेंशनर्स के उनकी पेंशन में एरियर्स को लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट देने वाला हूं। एक इम्पोर्टेंट लेटर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के केंद्रीय पेंशन लेख आयोग यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस की तरफ से एक इम्पोर्टेंट ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जिससे कि आपकी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और आपकी जो पेंशन में एरियर के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी मीटिंग हुई, जो कि मीटिंग होने के बाद में वहां पर बहुत सारे चीफ कंट्रोलर आए पेंशन के और बहुत सारी चीजें उसमें डील हुई, तो जिससे पेंशन आपके खातों तक सही पहुंचे, आपके एरियर्स आपको टाइम पर मिले और इसके अलावा और भी कई सारी चीजों पर डिस्कशन हुआ। पूरा डिटेल में जानेंगे हम। सामने आप नोटिफिकेशन भी देख रहे होंगे जो कि मैंने बताया किसकी तरफ से जारी किया गया है, साथ ही साथ और उस मीटिंग में क्या क्या हुआ, कौन कौन से डिसीजन लिए गए आपके वेलफेयर से रिलेटेड या आपके बहुत सारे चीजों से रिलेटेड, वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा आपके बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको अभी पता ही नहीं है कि उनकी पेंशन में बहुत सारे एरियर्स जुड़ने होते हैं या बहुत सारे एरियर्स उनको मिलने होते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन करके अपना एरियर्स ले सकते हैं और कौन कौन से पेंशन के एरियर्स के अलावा फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस पर भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। एक बड़ी वर्चुअल मीटिंग हुई जिसमें कई सारे लोग इकट्ठा हुए और उसमें एक मीटिंग जो ही वो चीफ कंट्रोलर हैं पेंशन डिपार्टमेंट्स के चेयरपर्सन के रूप में उनको लिया गया और उस मीटिंग में कई सारी चीजों पर बात की गई, जिसमें पेंशन के जो एरियर्स हैं जो पीएओ की तरफ से सीपीएओ लेवल पर जारी किए जाते हैं उन सब पर भी वहां पर बात हुई, जो कि आप नोटिफिकेशन सामने देख सकते हैं। पूरा डिटेल में जानेंगे, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन आप पूरा डिटेल में जानेगा, सारी चीजें डिटेल में जानेंगे, बने रहिए आप हमारे चैनल पर। इसी तरीके से आपसे एक अपील करना चाहूंगा कि आप अगर हमारे चैनल अभी तक फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके, साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए घंटे के निशान को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आ पाएंगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आपको इन्फॉर्मेशन के लिए एक अपडेट दे दूं, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स से रिलेटेड, हमारे वेलफेयर से रिलेटेड हमारे चैनल पर कर्मचारियों और पेंशनर्स के जितने भी डाउट्स होते हैं, चाहे वो पेंशन बेनिफिट्स हो या फिर अदर बेनिफिट्स हो, उनसे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उनको वहां पर अपडेट करने के लिए पूरी पूरी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो उनको अपडेट कर देंगे। सामने आप एक नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं, चलो जल्दी से देख लेते हैं, फिर बाद में और भी इन्फॉर्मेशन है वो भी देखेंगे और इस मीटिंग में क्या क्या हुआ। आप देख सकते हैं ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से, जिसमें आप देख सकते हैं सब्जेक्ट में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एरियर ऑफ पेंशन एंड फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस, यानी आपके फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और पेंशन के जो एरियर्स हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर ये सर्कुलर जारी किया गया है। साथ ही साथ उसमें जो मीटिंग हुई उसमें क्या चीजें वो भी हम बताएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर अ वर्चुअल मीटिंग ऑन द अफोर्समेंशनड सब्जेक्ट वाज कन्वेड ऑन अंडर द चेयरपर्सन ऑफ चीफ कंट्रोलर पेंशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी जो चेयरपर्सन थे उस मीटिंग में वो चीफ कंट्रोलर थे पेंशन के। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हुई जिसमें इन पर बहुत सारी चीजों पर अपडेट दिया गया, क्या क्या चीजें हुई वो हम जानेंगे इस वीडियो में। 8 लाख पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी, एरियर्स और फिक्स मेडिकल अलाउंसेस को लेकर बड़ा तोहफा जारी। आपको बता दूं कि पेंशन धारकों के ईपीपीएफ में फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और एरियर्स का कॉलम ना रहने से उनको समझ में नहीं आता था कि उनको कितना एरियर मिला है, कितना मिलने वाला है, साथ ही साथ उनको यही नहीं पता चलता था कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस या उनके जो एरियर्स हैं उनकी क्या सिचुएशन है, क्या है। इस समस्या को, पेंशन धारकों की इस समस्या को केंद्र सरकार ने अब निजात कर दिया है। इसमें हम बात करेंगे पेंशन धारकों की अब नहीं होगी सुविधा, ईपीपीओ में क्या क्या शामिल किया जाएगा, बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए, इस तारीख तक सिस्टम में बदलाव करना है यानी किस तारीख तक सारी चीजों से बदलाव करना है, साथ ही साथ मैनुअल जो प्रक्रिया है उससे भी वहां पर एक बड़ी निजात मिलेगी, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंतर्गत सीपीएओ के द्वारा 65 लाख पेंशन धारकों के लिए शानदार तोहफा जारी कर दिया गया है। अब पेंशन भोगियों के ईपीपीएफ में फिक्स मेडिकल अलाउंसेस और एरियर का कॉलम भी जुड़ेगा, जिससे पेंशन और फैमिली पेंशन को बहुत ज्यादा राहत वहां पर मिले। और इसके अलावा अब पेंशन धारकों को नहीं होगी सुविधा, क्या क्या सुविधा, क्या क्या असुविधा नहीं होगी वो भी हम जानेंगे यहाँ पर। इसके माध्यम से
पेंशन भोगी अपने फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और एरियर की जानकारी कुछ सेकंडों में प्राप्त कर सकते हैं। सीपीएए द्वारा सभी पेंशन भुगतान करने वाले बैंकों के सीपीसीसी के प्रमुख हेड को आदेश दिया गया है कि वे अपने सिस्टम को इस प्रकार से अपग्रेड कर लें ताकि पेंशन धारकों को किसी भी तरह की सुविधा ना हो। तो आप देख सकते हैं कि आपके लिए जितने भी वहां पर बाकी चीजें होती है उन सब चीजों के लिए सीपीसीसी को एक इम्पोर्टेंट अपडेट दिया गया है, यानी सीपीसीसी के हेड यानी आपके पेंशन के हेड्स को सभी एक इम्पोर्टेंट अपडेट दे दिया गया है। इसके तहत उनको बोला गया है कि आपकी जो भी उनके सिस्टम है उसको अपग्रेड किया जाए, साथ ही साथ अपग्रेड करने के बाद वहां पर सारी चीजें पेंशन को बताई जाए जिससे पेंशन धारकों को कोई भी सुविधा वहां पर कोई भी असुविधा का वहां ना हो और पेंशन को चंद सेकेंड्स में सारी चीजें मिल सके। ईपीपीओ में क्या क्या शामिल किया गया है वो भी आप देख सकते हैं। सीपीएओ ने बताया कि भविष्य में पेंशन धारकों के फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और उनके एरियर के जुड़े सभी कैश, जो भी कितने भी कैश होंगे सारे यानी जो भी इश्यूज होंगे, डिजिटली रूप में भेजे जाएंगे। अब पेंशन धारकों के ईपीपीओ में फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और एरियर का कॉलम रहेगा जिससे पेंशन भोगी इन बातों से अवगत रहेंगे। अभी तक आपको पता है कि जितने भी आपकी सीपीओ से सीपीएओ से सारी चीजें आती है उनमें आपके मेडिकल अलाउंसेस और जो भी एरियर्स होते हैं उनका डिजिटली रूप में आपको भेजे जाएंगे। इससे पहले ये होता था कि वो सारी चीजें वहां पर एड होकर नहीं आती थी जिससे पेंशन धारकों को बहुत ज्यादा या पेंशनर्स को फैमिली पेंशनर्स को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब ये सारी चीजें नहीं होंगी और मेडिकल अलाउंसेस और एरियस का कॉलम आ जाएगा जिससे सारी और इसके अलावा सीपीआईओ आपके जितने भी केस होंगे वो सारी चीजें टैली करेंगे और टैली करने के बाद वहां पर आपको सारी चीजें एक ही साथ वहां पर ली जाएंगी। इसके अलावा सीपीआईओ द्वारा ने 6 मई 2024 को एक सर्कुलर जारी किया जो कि मैं पहले दिखा चुका हूं। इस मामले में एक बैठक भी हो चुकी है और बैठक में क्या क्या निर्णय लिया गया वो भी हम देखेंगे। इसमें इस बैठक में पेंशन एरिया और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर एक बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन किया गया और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि इस पी की इन्हें ईपीपीओ में शामिल कर दिया जाए ताकि पेंशन भोगियों को पेंशन के सारी चीजें उनको अवगत हो सके, उनको कितना एरियर मिलता है, कितना मिलने वाला है, कितना फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस बढ़ रहा है और भी एरियर्स कितना है और भी बाकी सारी चीजें जो हैं वो सारी चीजें उस सर्कुलर में मैंने आपको बताया है। जो सर्कुलर मैंने पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का बताया था उसमें ये सारी चीजें वहां पर मेंशन की गई थी। अगर आप भी उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स से यस लिखिएगा, वहां से सीधा डाउनलोड कर पाएंगे। और भी चीजें हैं उसमें वो भी डिटेल में मैं बताऊंगा। इस तारीख तक सिस्टम में करना है बदलाव। सभी पेंशन भोगी भुगतान करने वाली बैंकों के सीपीसीसी हेड को कहा गया है कि वे 15 मई 2024 तक अपने सिस्टम में जरूरी बदलाव कर लें। इसके सार्थक नतीजे मिलने के बाद फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और पेंशन से जुड़े सभी एरियस के केसों की प्रक्रिया डिजिटल तरह से पूरी डिजिटल तरह से होगी और इसके बाद ईपीपीओ में फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस एरियस ये दोनों कॉलम शामिल होने के बाद पेंशन धारकों को किसी भी तरीके कोई भी समस्या नहीं आएगी। यानी कि जो अभी मैंने बताया 6 मई 2024 का जो लेटर आया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के सीपीएओ की तरफ से उसमें ये सारी चीजें सीपीसीसी को हेड को कहा गया कि 15 5 2024 तक आप अपने सिस्टम में जरूरी बदलाव कर लें और इन कॉलम्स को भी ऐड कर लें जिससे पेंशनर्स के लिए वहां पर कोई भी समस्या का ना हो और सारी चीजें उनको वहां पर एक साथ मिल सके। और इसके अलावा आगे चलते हैं, इसमें मैनुअल प्रक्रिया से मिलेगी निजात। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार पेंशन धारकों को जो भी मैनुअल प्रक्रिया होती है उससे निजात मिल जाएगी। कोई भी पेंशन भोगी अपने ईपीपीओ में ये सारी चीजें देख सकेगा कि उसके फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस या एरियर की सिचुएशन क्या है, क्या स्टेटस है, क्या उनको मिला हुआ है, क्या बैंक के पास पहुंच गया है। इसके अलावा सीपीओ ने बताया कि अगर पेंशन भुगतान करने वाली बैंकों को इस प्रक्रिया को शुरू करने में कोई परेशानी आती है तो उस स्थिति में टेक्निकल मदद के लिए आपको साइंटिफिक अफसर SBCPO को संपर्क कर सकते हैं। तो ये कई सारे चीजों में अपडेट किया गया है। अब आपको सारी चीजें मैनुअल के बाद में सारी चीजें डिजिटल कर दी जाएंगी और डिजिटल होने के बाद में पेंशन्स को बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। देख सकते हैं जैसा कि ये मैंने नोटिफिकेशन या बोल सकते हैं सर्कुलर पहले भी आपको बताया था, इस सर्कुलर के जरिए ही सारी चीजें पेंशन और पेंशन पेंशनर्स के जितने भी बेनिफिट्स हैं चाहे उनके एरियर्स में पेंशन को लेकर के हो या फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को, वो सारी चीजें क्लियर की जाएं। और अगर आपको कोई टेक्निकल एडवाइस लेनी है तो आप देख सकते हैं श्री धीरज कुमार साइंटिफिक ऑफिसर SBCPO या फिर ये मेल आईडी आप देख सकते हैं dheeraj.kumar89@nic.in पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट सर्कुलर है सभी पेंशनर्स के लिए, इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए पेंशन के जितने भी एरियर्स हैं और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस है, क्योंकि बहुत सारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ऐसे होते हैं जिनको इन सब चीजों के बारे में नहीं पता होता है या हाल में ही पेंशनर से कर्मचारियों से पेंशनर बने होते हैं तो उनको पीपीओस के बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि सभी पेंशनर्स को उनके पेंशनरी बेनिफिट्स टाइम से मिले,
सही पे मिलें, और उनके अलावा उनको कोई भी लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से उनको किसी भी टाइप से परेशानी ना हो। आप ये सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और एडियट्स के लेकर के, जिससे उनके सारी चीजें घर पर ही सारी हो जाएंगी और चंद सेकंड में आप ये सारी चीजें देख पाएंगे और साथ ही साथ अपनी पेंशन स्लिप भी डाउनलोड कर पाएंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, इसके साथ ही साथ चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करेगा, और आपको इससे रिलेटेड कोई कमेंट करना है तो आप हमें या सुझाव देना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको लेकर के कोई ना कोई अपडेट जरूर देंगे। ये आप सर्कुलर डाउनलोड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा, वहां से सीधा ही आप डाउनलोड कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक।